खनिया थाना नगर में पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बड़े पुत्र राकेश लोधी द्वारा बीते दिनों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विद्यांजलि सभा में जैन समाज के लिए घोषणा की थी कि गुडर रोड पर जो कीर्ति स्तंभ है वह आचार्य श्री के नाम से विचराहे पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जाएगी और गडर रोड को आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जाना जाएगा, जिसका नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित कर आज कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास मुनि श्री पदम सागर जी महाराज की सानिध्य में किया गया। श्री पारसनाथ जी दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुडर रोड पर स्थित कीर्ति स्तंभ पर पहुंचा और सभी अतिथियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुनिश्री ने अपने उद्घोषण में कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हम सबके ऊपर बना रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का नाम स्मरण करने के लिए जो कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जा रही है वास्तव में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं तो यहाँ के जैन समाज और प्रतिनिधियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ बन रहा है वह इतना सुंदर बनना चाहिए जिससे दुनिया के लोग आकर के देखें और धनिया खाना बालू की तारीफ करें और कहा कि आचार्य श्री के लिए यदि भावांजलि के रूप में जो कीर्ति स्तंभ बनाया वह देखने लायक, ऐसी मेरी भावना है। अच्छा, सुंदर से सुंदर आप बना सकें। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि के रूप में पिछोर विधायक के पुत्र राकेश लोधी, नगर परिषद धनिया खनिया थाना CMO संतोष सोनी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू, मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भारदेलिया, सभी वार्डों के पार्षद, पत्रकार संघ, सभी समाज के गणमान्य जन एवं सकल दिगंबर जैन समाज उपस्थित रही। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए। मैं आप लोगों से छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, अगर मैं और मेरे पिताजी प्रीतम सिंह लोधी आपसे अगर कुछ काम अगर आ सके तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप ये न समझे कि हम विधायक हैं, हमारी माताएं बहनी हैं, बहनें बैठी हैं, पिताजी कुल बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं। आप अपने बीच में से ही सोच के चले कि हम आपके बीच के ही इंसान हैं, हम विधायक नहीं हैं, ना हम विधायक यहाँ के बनना चाहते हैं। हम आपके सेवक हैं और सेवक के तौर पर आपका सेवा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सत्यमेव जयते, ये सब सिद्धांत कहाँ से निकले? ये जैन दर्शन की बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष में हो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में बदस्त में हो, एक ऐसा हमारा दर्शन, ये पूरा अनेकांतमय दर्शन, जन जन का दर्शन है, आत्मा का दर्शन है। यदि आत्मा है तो वहाँ जैन दर्शन जरूर है। और हम सब आज देख रहे हैं अब भव्य रूप से ये कीर्ति स्तंभ यहाँ आज हमारे मुनिश्री के सानिध्य में बनेगा, बहुत ही खुशी की बात है। हम सब लोग मिलजुल कर इसमें अपना जो भी सहयोग बन सके वो सहयोग प्रदान करें।